See, I think, firstly, though, obviously, congratulations to Z5 and Odd Studios, both of them, because आज के ज़माने में जहाँ पे डिजिटल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है वहाँ पे समथिंग लाइक दिस आई थिंक इज़ अ ग्रेट ग्रेट आइडिया एंड अ ग्रेट कोलैबोरेशन फॉर बोथ ऑफ देम वेरी वेरी हैप्पी फॉर करण वीर यू नो एंड एंड द टीम विशिंग देम गुड लक लुक एट हिम द रॉक स्टार इज़ हियर सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम एज़ वेल एंड द टीम ऑफ हॉट स्टूडियोज एंड Z5 क्या है व्हाट इज इट क्या कहना चाहूँगा कब बारे में कब काम दे रहे मुझे यार मैं बरखा की वेट कर रहा हूँ सीजे सोनो वे उसका पैकअप अभी हुआ है उसने बोला स्टार्ट मत करना मैं आ रही हूँ सुबह जल्दी आ गया मैं शी इज़ माय साइलेंट पार्टनर साइलेंट इसलिए क्योंकि शी साइलेंसेस में तो एंड वेयर इज योर साइलेंट पार्टनर ऑन द वे तो कीश भी आ रही है बहुत पार्टी करने वाले हैं हम जस्ट स्टिक अराउंड एंड वील टेल यू अबाउट हॉट एंड सी क्या होने वाला है क्या हो रहा है और भाई तो आए ही हैं गाना सुन लो कोई इससे अच्छा अरे बहुत राना भी गाने रात फोटो तो खिला दे आजा मैंने सुना आप कीजिए अभिषेक को भेजिएगा अभिषेक कौन है कोई बात नहीं मैं आपको ले मेरा नाम करण ग्रोवर है और मैं अभिषेक के नाम से कभी कभी जाना जाता हूँ जी पहले भाई क्वेश्चन तो मेरे नाम से पूछ लीजिए करण सिंपल है बहुत सिंपल नाम है जी मैं ऑफकोर्स मेरा दोस्त है करण वीर मेरा और उसने ये इनिशिएटिव लिया है और वो बहुत ही पैशनेट एक्टर है बहुत ही इन्वॉल्व्ड एक आर्टिस्ट है तो वो अगर इतनी बड़ी कोलैबोरेशन कर रहा है अपने स्टूडियो को अपने शो को आगे बढ़ा रहा है तो ऑफकोर्स खुशी होती है एंड माई बेस्ट विशेज टू दिम मैं ज़्यादा पार्टी नहीं कर पाता हूँ थोड़ा सा मैं जल्दी निकल जाता हूँ तो मैं पार्टी इसी तरह एंजॉय करता हूँ कि जब मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं तो मैं आता ज़रूर हूँ और जब तक वो बोलते हैं मैं वेट करने की कोशिश करता हूँ हाँ बोलिए जी भाई जी बिल्कुल इनके लिए एक और ये दोनों नए हैं कोई बात नहीं मैं यूट्यूब पे एक शो करता हूँ जिसका नाम है सिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग और मैं पिछले एक साल से वो शो कर रहा हूँ और पिछले साल मैंने व्यू करके एक चैनल है जिसपे स्पॉटलाइट 2 विक्रम भट्ट के साथ किया था इन्फॉर्मेशन फिल नो प्रॉब्लम जी मैं कहीं कैंपिंग चला जाऊँगा या ट्रैकिंग करने किसी जंगल में चला जाऊँगा फॉर श्योर जी मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है सृष्टि रोड जो बिग बॉस में थी और अभी अभी बाहर आ गई हैं तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि उन्हें बहुत मज़ा आया और उन्होंने जब भी कहा मैंने उनके लिए ट्वीट और मैसेजेस किए क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बाहर निकल गई मैसेज यही देखना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हॉट स्टूडियो और Z5 को बहुत बहुत प्यार दीजिए फॉलो कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो भी करते हैं कीजिए और आप याद रखिएगा मैंने क्या किया है थैंक यू आई थिंक इट्स वेरी गुड मेरे बहुत जिगरी मेरा बहुत पुराना दोस्त करण मेहरा जो आज रणवीर सिंह मतलब वो लिहाज में आया है आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम इन बरखा उसने बहुत मेहनत से कुछ छोटी सी चीज़ शुरू की थी और आज वो बड़ी बनते बनते स्नोबॉल होके यहाँ पे Z5 के पास पहुँच गई है सो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू हिज हार्ड वर्क एंड द टीम्स हार्ड वर्क एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म फॉर देम I'm an actor who does TV, films and commercials और बस थिएटर नहीं करता करना चाहिए बट स्कूल कॉलेज में बहुत किया बट आई एम ओपन टू एनी थिंग मैंने डिजिटल में अपना पहला फोरे रिसेंटली लिया था एक रिपब्लिक टीवी के शो के साथ जहाँ पे मैं लोगों के घरों में जाके उनके साथ सवाल जवाब करता था उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला आई थिंक season 2 है लेकिन आप में से कोई भी मुझे पकड़ना चाहे पहले आई एम टोटली ऑन सो प्लीज़ लेट योर टेल योर टीम्स इफ दे वॉन्ट अनदर एंकर सो आई एम अवेलेबल जहाँ तक टीवी की बात है ये है मोहब्बतें 3 साल किया इट वॉज अ वेरी गुड रन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स फिल्म चलती रहती हैं
बट या आई थिंक अभी जो वेब में जोन चल रहा है नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ, मेरा पर्सनल चाह यही होगी कि आई होप एन एक्टर ऑफ माई कैलिबर कैन गेट वर्क देयर एंड गेट समथिंग रियली गुड. आशिरी आइडियाज ट्रेनिंग है, आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई मीन दे हैव लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड आई थिंक जो हमारी एजुकेटेड मिडिल क्लास है दे रियली रियली रिलेट टू द इश्यूज ऑफ मीरा एंड ऑल दैट दे डू. मैं इतना नहीं देखता अनलेस मुझे पूजा फोर्स करके दिखाती है, बट आई थिंक द ऑडियंस इज लव इट बिकॉज उनको फीडबैक ही इतना पॉजिटिव आता है. मैं सच बताऊँ मैं बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान हूँ. मैंने फ़िलहाल एक नया घर लिया है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुंबई के ट्रैफिक में ना फंसूँ, गोवा की हड़बड़ी में ना फंसूँ, हो सके तो मैं अपने घर पे बैठूँ अपने आप के साथ, टीवी ना देखूँ, शायद कुछ लिखूँ, या बस अपने आप चुपचाप न्यू ईयर बनाऊँ. दैट्स दैट विल बी माई विश. बट अगर कहीं बाहर चला गया तो चला गया. घर बैठिए अपनी फैमिली के साथ बैठिए, देखिए बाहर बहुत ट्रैफिक होता है, और आप अपनी पहले साल की पहली रात दारू पी के थ्रो अप करके और बाकी बेवकूफ़ चीज़ें करके जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, और सबसे ज़्यादा आप हिंदुस्तान या आई थिंक दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप अगर पार्टी करना चाहते हैं तो 4 घंटे पहले निकल जाना. उसके बाद क्या होगा आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ट्रैफिक अवॉइड करना चाहता हूँ. मैं पूरी ज़िंदगी ट्रैफिक में बिताता हूँ यहाँ पे शहर में, सो मेरा यही है कि भाई ट्रैफिक अवॉइड करो. सो सिट एट होम एंड बी विद योर फैमिली, बी विद योर लव वंस, कॉल योर नियर एंड डियर वंस, हैव अ ग्रेट टाइम, और मे बी जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट नॉट पार्टिंग एंड डूइंग समथिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव और अचीविंग योर गोल्स. आई डोंट नो, आई एम, एज आई सेड, आई एम डिफरेंट, सो आई विल स्टॉप माई एडवाइस हियर. आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ गोइंग टू बाय इट. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. अभी हलाई ये है मोहब्बत ने 5 साल कम्प्लीट किए, रीमिक्स ने 14 साल कम्प्लीट किए, वी द सीरियल ने कोई 4 साल कम्प्लीट किए, और मुझे सबके फैंस के मैसेजेस आते रहते हैं. आई रियली वॉन्ट टू से आपने मुझे इतना प्यार दिया एंड यू कीप गिविंग इट, एंड आप लोग पूछते रहते हैं जल्दी आओ टी वी शो पर, बट आई ऑलवेज डन गुड वर्क एंड आई ऑलवेज बी बैक विद गुड वर्क. यू नेवर सी मीन सेमाई हाफ हार्टेड ऐसे ही काम करते हुए. सो just let's hope, or better still all the fans know me as a photographer, maybe a travel show. Pray that I get a travel show, and all the love that you give me I can give it back to you with the places I discover. Thank you so much, all the best Mehra, all the best, I love you a lot brother. This opportunity to thank Barkha who's my silent partner, silent isliye because mereko silent kar deti hai, and also want to thank Reflection who's the hospitality and location partner, the owners must be here. And most of all, Z, who's helped us make our platform bigger. So the Z team is here. Please introduce Jayesh and Jay. They'll also talk about it. So unko bhi questions puchna aap. Aur bahut maza aa raha hai Z ke saath collaborate karke wapas Z jaakar. Because right after Pavitra Rishta, I think I've fallen back to Z Digital. So I'm hoping for a smoother and a much more successful journey than Pavitra Rishta also. So, open to y'all, शुरू हो जाओ. बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं. मैं जयेश से स्टार्ट करूँगा. जयेश, यू स्टार्ट ऑफ समथिंग विद समथिंग अबाउट Z5 फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जयेश स्टार्ट करो. Alright, so I'm so far आप लोगों को Z5 एज अ ब्रांड नेम पता ही होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड सो फार इन 8 months. वी हैव काइंड ऑफ टच वुड बिकम द नंबर 2 प्लेयर इन द गेम. नए में अलॉन्ग विद द ओरिजिनल्स फिल्म और जो हम नेटवर्क कॉन्टेंट करते ही है, वी आर सो ग्लैड टू कम अक्रॉस कॉन्टेंट विच यू नो पीपल लाइक करण हु आर क्रिएटिंग, विच इज़ गोइंग टू बी सच एन एडिशन एंड अ रिफ्रेशिंग फैक्टर ऑन द प्लेटफॉर्म दैट वी ऑलरेडी हैव. वी लुक फॉरवर्ड टू पुशिंग द कॉन्टेंट ऑन अ प्लेटफॉर्म टू अ सिग्निफिकेंट लेवल. दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू इट. And hope we extend the partnership to season by season and whatever new concepts that these guys bring on. So that's what with our future aim is, along with our existing content which we would like to keep on growing in terms of our films, our originals, network content and a lot more. Yeah,
luckily they are a bigger platform and the kind of audience that we want to reach to, they'll help us reach that. So bas do jo hote hai na, jise kehte hai ki mereko feeling yahi wali aa rahi hai ki kundli ke sare gun mil chuke hain aur ab hum saath mein jud chuke hain. So I'm sure both of us, of course being a very big platform, and of course we, Barkha and me, both are thanking them enough that they have given us a chance to you know, showcase our content on their platform. We are looking forward to adding value to that as well. Fans ko message do, Barkha do. Hi, I'm on the this thing. Are you serious? Come in. No, I think the only message we want to give our fans is, it's a great step forward for us at Hot Studios, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी we had no idea कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा, but all Karan's vision, I think, जो Hot Studios has become so popular, and now that we are collaborating with Z5, of course it हमारा मतलब वो 10 गुना बढ़ जाता है. So we're very excited about that, and we're glad that you know, there are digital platforms who are appreciating content like ours. And honestly, हमारा content बहुत simple है, सब जानते हैं. Husband wife is like the most simply complicated relationship जो है आज के ज़माने में, but I think we managed to do a great job of it. We are great husband wife. So लड़ते हैं, हम दिखाते हैं. So yeah, so we just want to tell our fans that please give us all the love that you all have given us so far. Support us and help us grow along with Z5, because we're gonna get some great content on board. Same message, subscribe to Hot Studios, and of course subscribe to Z5, and be a part of this big family which is growing every day. Thank you so much. Let's start the party. Of course, Z is like my family. My first show was on Z. I'm doing one more new show for Ant TV. Again, is a Z sister concern. So, बहुत पुराना रिश्ता है. And if I talk about reflection जिस दिन से शुरू हुआ था, एक अजीब सा connectivity हो गई. I came here for the first day to see the location, and I shot my video here. तो मुझे ऐसा लगता है मैं रोज यहीं रहती हूँ. So reflection and me, we have a lot of karmic connection. So I wish all the partners, Javed bhai and everyone, all the best. And this place is very nice. It, the three floor, the area is nice. So mujhe bada acha lagta hai. Yes, now it's just the beginning, and I'm sure this place will do good. Digital platform is the future. टीवी ने आके फिल्म को थोड़ा ठंडा कर दिया, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आके टीवी को थोड़ा ठंडा कर दिया है. सो एवरीबडी इज़ मूविंग देयर, किसी को टीवी देखना है. तो मेरे घर में टीवी नहीं चलता है, एवरीबडी इज़ ऑन द फोन और लैपटॉप और थिंग. सो या दैट्स अ फ्यूचर, इट्स अ न्यू जनरेशन. सो ऑल द बेस्ट, एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन ऑल दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, एवरीथिंग. एक्चुअली फॉलो नहीं कर रही हूँ, टू मैनी थिंग्स हैपनिंग, तो टाइम नहीं मिलता. बट यस, जब अनूप जी आए थे, अनूप जलोटा जी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, जब मैं छोटी थी तब से मैं उनको जानती थी. तो जब अनूप जी ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आई एम लाइक आप क्या करोगे, ही सच अ नाइस एंड सिंपल पर्सन. बट उन्होंने तो धमाल मचा दिया वहाँ पे. तो जब तक वो थे तो थोड़ा इंटरेस्ट था, उसके बाद आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है वहाँ पे. यही कहूँगी थैंक यू वेरी मच. एंड या बहुत लोग मुझे बोलते थे व्हेन डू वी सी यू ऑन टीवी, व्हेन डू वी डू दिस थिंग. माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो क्या हुआ तेरा वादा वाज हिट, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. सेकंड सॉन्ग आई हैव शॉट इन रिफ्लेक्शन ओनली, सो एंड दिस इज़ अ वेरी किक एस डांसिंग नंबर. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि उससे भी अच्छा हो, एंड माई न्यू शो कमिंग ऑन एंड टीवी. सो यू गाइज कीप वॉचिंग, यू विल सी मी एवरीवेयर नाउ. थैंक यू. भी है, हाँ पढ़ लिया.
वेल यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अलग अलग वो लोग अच्छे शोज़ बना रहे थे, अब हमें साथ मिलकर उनके बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग शोज़ देखने मिलेंगे. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन एंड दे शुड हैव डन दिस लाइक लॉन्ग बैक. पार्टी से ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि करण मेहरा कोलैबोरेशन बनाने में बहुत फास्ट है एंड ही मेक्स गुड कोलैबोरेशन विद एवरीवन एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया टू डू दिस कोलैबोरेटिंग विद Z5. ही इज़ डूइंग सम वेरी गुड वर्क इन हॉट स्टूडियो एंड आई एम श्योर कोलैबोरेशन मिलकर आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट बिगर एंड बेटर एंड धमाल तो मचाएंगे, जहाँ मेहरा होगा वहाँ धमाल तो होना ही है. Opposite each other? No. Yeah. Nahin, but we would love actually. To. I would love to. I don't know about him because abhi to bhai sab producer hai and all that. So you know, you never know. But yeah, I would love to because I think digital is really, really big. And kuch web shows jo maine dekhe hain, All Pay and inke bhi jo maine dekhe hain. Matlab they are really so good and so entertaining. And aisa lagta hai ki yaar acha kaam kar rahe hain. So you know, I would love to do something. And Kishwar is already a very big influencer right now, you know, and she is doing so many brands. So very soon, I think she's going to be somewhere here. I'm sure about that. Well, Boot pe haan kaisi hai yaariyan humne kiya tha. So that was already a show on MTV. Jo do saal baad they said ki chalo Boot pe banate hain. Aur wo aise hi chalo mein ban gaya aur wo bahut bada hit ho gaya on Boot. So they wanted to make another season, but I think then Parth got busy. Doing कसौटी तो वो नहीं हो पाया, बट आई एम जस्ट होपिंग के पार्ट थोड़े बहुत देर समय दे दे तो हम शायद सीजन 4 भी बना. बिल्कुल फॉलो नहीं किया, बिल्कुल ही बकवास शो था इस बार का, बिल्कुल मज़ा नहीं आया. आई थिंक बिग बॉस शुड जस्ट शॉट आफ्टर दिस. मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा. He loves it. नहीं मतलब बिग बॉस की सारी कहानियाँ मैं इसलिए सुनता हूँ, तो इस बार ये ना देख रही है ना मेरे को कहानी सुनने को मिल रही है. सो बट यार सल्लू भाई हैं तो बस उनके लिए थोड़ा बहुत वी सी इट फॉर हिम सम टाइम. वी आर गोइंग टू बाली. नहीं बता रहा. ओ नहीं बता रहा. सो हम यार एंटायर फ्रेंड गैंग जो हर साल कहीं ना कहीं प्लान करता है, साल हम लोग सब बाली जा रहे हैं एंड या गुड 5-6 डेज गुड फन. या हैप्पी न्यू ईयर फैंस. या वेल हैप्पी न्यू ईयर. हमारा काम देखते रहिए, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे एंड दैट्स इट. सो हैव अ ग्रेट एंड सेफ न्यू ईयर. या हैव अ फैंटास्टिक न्यू ईयर एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर करण एंड फॉर बरखा. कपल ऑफ मिस्टेक्स में बहुत ही बड़ा ये कोलैबोरेशन हो रहा है एंड आई रियली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आई थिंक आजकल के टाइम में डिजिटल इज़ द बेस्ट मीडिया. ऑब्वियसली हम सब के हाथ में फ़ोन्स रहते हैं और हम सब फ़ोन्स पे ही सब देखते रहते हैं. सो नथिंग बेटर देन डिजिटल मीडिया एनीमोर. क्या मैं सबको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हॉट 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 देखते रहिए एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू. Just for come, please give your mics. I'm very excited for Z5 and Hot Studios. I think it's a great platform and a newer version of storytelling and absolutely no inhibitions in that. So like we say, publish content, create content and amplify content, and this is what's happening. So I'm very happy for the amalgamation and many more to come. Thank you. So the digital platform is coming up in a big way, right? So there's a lot of storytelling and different kind of storytelling, so which you can't experience in TV,
you can experience in digital. So may it be 5 to 7 minutes, may it be 15 minutes, different kinds of stories are there. So I'm very happy about that. Yes, keep surfing. Thank you so much. So yeah, there is Barkha. Listen, I'm his sister, I'm his Didi. First time he called me Didi. So I don't know if all of you all remember, but me and Barkha have worked together over 12 years back. Yes. 12 years back. Yes. Toli Sajake, there used to be a show on Sahara One. So she was my sister and I was her brother. Matlab se Didi bolta hun. My best wishes with Barkha, with Karan, and I hope the venture does really, really well for both Z5 and for Hot. Jamin, dekh lijiye aap Saturday Sunday. There's Jamin Saturday Sunday on Sony, so you can watch it. Yeah. Or anything else, new projects coming. Interesting things you'll get to know, sir. न्यू ईयर पे पिछले कई सालों से तो हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं और इस साल भी चांसेस यही हैं. सरगुन शूट कर रही है पंजाब में, तो आई डोंट हैव एनी रीजन टू पार्टी हियर. सो देयर इज अ फेयर चांस दैट यू नो यू हैव दीज लॉट ऑफ दीज इवेंट्स ऑन द न्यू ईयर डे. सो इफ आई डोंट हैव दैट देन आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली टू माय पेरेंट्स एंड आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर देयर. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आई हैव बीन सैम्पलिंग सो मच कंटेंट देयर. And everything from Sacred Games to Mirzapur and so much of shitty ideas trending, you know, off which Karan is also a part. So I've been sampling everything from short films to web series, and I think it's an amazing market. Amazing. Okay, except this controversial show, I'm not watching it. It's the festive season. I think a festive season is a good opportunity for you to get together with your family and spend some quality time with them. So don't miss the opportunity. Obviously enjoy with your friends, but also give your family some quality time. Okay. Merry Christmas, Happy New Year. They've been generous enough to be hospitality and location partners. And of course, my very dear friend Sahil, who's here to enjoy the place. He'll talk about kisko kaisi lagi jagah. It's a brand new place. मतलब बोलते हैं वर्जिन जगह है अभी एंड इट्स ओपन टू ऑल फ्रॉम टुमारो एंड इट हैज 3 फ्लोर्स और उसके बारे में रुद्र एंड हर्ष विल टेल यू राइट. ओके सो वी हैव अ बैंक्वेट कम क्लब डाउनस्टेयर्स इन द बेसमेंट एरिया. ग्राउंड फ्लोर इज मोर लाइक अ प्रॉपर कैजुअल फाइन डाइन. द आउटसाइड एरिया इज पेट फ्रेंडली. लाइक अंधेरी इटसेल्फ हैज लॉट ऑफ पीपल हु रियली लव पेट्स. दैट्स व्हाई वी गॉट अ स्पेशल पेट मेन्यू फॉर एवरीवन ओवर हियर. दे कैन गेट देयर कैट्स डॉग्स एनीवन. वी आर केटरिंग टू एवरीवन. Bar is completely on the first floor, and this is going to be the first quarter pillar bar in Andheri West. I think apart from that, Harsh, please go ahead. Now I would stretch it forward. Now everyone would have in mind that why we have kept this name Reflection. As we go forward in this section, is like every human being has dual shade, right? That's positive and negative. That's what the reflection comes in. Our property would cater to every kind of mood zones, and the 4 different levels in the property cater the different kind of mood zones. So we have a banquet club, we have a lounge, we have a casual dining area, then alfresco area is the area which is much more of a chilled out area where people can come down, sit, leisure, coffee, tea, whatever you want. So that's what the USP of our property is. It's for all, it's for mass. You can come down, have, enjoy your drinks, you can come down, have coffee, whatever, and everything has been served over here. Thank you so much. Expectations ye hai ki we will bang on the market, that's for sure. And we are accepting everyone, good people, nice people, which our property identifies and our property is growing through. Mere bare baat kar rahe hai, matlab ishara meri taraf hai, samajh jao. Good people, nice people, that's what he came in the picture for. Okay, last thing, kya dena So to all the Hot Studio and Z5 fans, you guys have to come here and experience this place. Jitna bhi bolne hai, bolne se kuch samajh nahi aayega, but once you come here, and of course, aapne khana to try kiya hi hai.
सबको पीछे कैमरा के पूछ रहा हूँ मैं, कितना टेस्टी खाना ट्राई करा दिया ना? हाँ ट्राई तो करा ही दिया है, खाया ना, तो वो सब टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। दे कैन कीप एक्सप्लेनिंग द डेलिकेसीज बट अनलेस अंटिल यू ट्राई एंड हैव समथिंग यू वोंट रियली फील द एक्सपीरियंस। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू रिफ्लेक्सिव फॉर बीइंग अ पार्टनर। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच। अदर टीम्स तो सोचा हुआ है कि कुछ साथ में धमाल करने वाले हैं। इज अ वेरी गुड राइटर एज वेल और साहिल इज बिन विद मी ऑन हॉट स्टूडियोज बट इनका भी एक सीरीज शुरू हो रही है। कितने हैं अपा चल रहे अपा कितने चल रहे अपा तो यू कैन आस्क समथिंग अपा अपा कितने चले। सो इट्स अ पंजाबी थिंग कि हम कहाँ चले। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। इट्स वो बहुत छोटे छोटा अभी हमने स्टार्ट कर था इंस्टा पे। इट्स इट्स डूइंग गुड बट लेट्स सी। एंड हम मेन तो बात करेंगे इसके द कपल ऑफ मिस्टेक्स एंड कपल ऑफ लिटिल मिस्टेक्स। मैंने करण के साथ काम करा सो आई बिफोर वर्किंग विद हिम आई नेवर न्यू हिम आई नेवर हैड अ वर्ड विद हिम बट जब मैंने काम करना स्टार्ट करा आई स्वेयर मज़ा आ गया। मतलब ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड आई रियली रियली एंजॉयड क्योंकि मेरे डायरेक्टर यही होते थे तो ये तो मेरा सब कुछ करना ही इज़ बीन हेल्पिंग। या या ही वाज़ अ डायरेक्टर वो तो आई नो दैट ही थिंक ही वॉटर को रेडी है। So he's a very good director also, apart from being a very good actor. So yeah. का प्यार बोले जा रहा है और ये बुलाए जा रहे हैं। And और कुछ रवि सर। जैसे कि अभी बताया गया कि आप कोलैब करने वाले हो, sneak peek देना चाहोगे? Sneak peek? Sneak peek नहीं है, अभी अभी बात हुई है। 1-2-3 करते हैं। No, but right now it's Karan's day, it's Barkha's day, it's Hot's day and it's Z5's day. So I just hope the collaboration works very very well for all of them. And a lot of value, a lot of fortune comes everybody's way, and that's what we are working for, you know. So thank you, man. My best wishes always. Thank you so much. Thank you so much. Paaji, appa kitne chale? Appa kitne chale? Appa kitne chale? Chale, appa ko pakdo, matlab kya hai? Aap thoda interview do. So he's a part of me in appa kitne chale. So ham dono ka wo start hai. So ham dono ne start kara tha. It's doing pretty well. He's Deepak Kalra. Hi guys, hi guys. So agar aapko kuch puchna hai, iska style ya kuch. Aaj hum yeh kya डेली जो लाइफ में चीज़ें होती है ना उस पर एक एक मिनट का टेक होता है। मतलब जैसे कि हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम लोग मॉल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि पाजी आपा कितने चले, या हम लोग मट गए हैं तो मैं से पूछता आपा कितने चले गए, मॉलडीव्स गए हैं क्योंकि बीच है पीछे। तो ये उसके बाद स्लाइस ऑफ लाइफ जो है एक एक मिनट के टेक है आपा कितने चले। और क्योंकि हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं जाते रहते हैं ना जिंदगी में और वो हैशटैग वंडरलस्ट जो होता है ये उसके ऊपर है इन अ कॉमेडी वे। सो या सो ऐसा कुछ आने वाला है एंड बहुत जल्दी कोलैबोरेशंस होने वाली हैं। yes. तो विल सी यू सून। जी सून। मैं सही बताऊँ मैं टीवी नहीं देखता। आई एम रियली सॉरी। वो भी क्वेश्चन पूछोगे वो भी नहीं आता होगा। हाँ मैं वूड में नहीं आ रहा हमारा शो हमारा किसने शो आ रहा है इस पर आएगा हमारा वूड में नहीं आ रहा बट बिग बॉस बहुत अच्छा है। और कौन 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 है फाइनल में कौन कौन है? सो आई थिंक जो मुझे सुनने में आता है बट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस बट जो मुझे सुनने में आता है आई थिंक श्रीशांत has a very good chance. Oh, हाँ मैंने तो ना वो बंदा बड़े कलेश कर रहा है वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत कलेश कर रहा है वो जीतता है and I think it's a pretty good chance of it. Yeah. Thank you. Obviously हम चाहते हैं कि अगर उनके अभी भी उनके अंदर बहुत सा जोश है तो हम चाहते हैं कि वो इंडिया के लिए जीत मतलब वो दिखता है पैशन उनके अंदर। सो आई वांट सो वी ऑब्वियसली एज अ फैन वी वांट कि वो इंडिया को जिताए और इंडिया में खेलें। जो भी पैशनेट है दे शुड प्ले फॉर इंडिया। एंड अगर उन्होंने जो समझाया आपको सबको अब पता चल गया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो आई थिंक इंडियन टीम शुड गिव हिम अ चांस। या साहिल के बारे में Z5 के बारे में ओके आई हैव वॉच्ड सो मेनी लाइक वेब सीरीज इसमें और आई लाइक दिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई होप टू वर्क विद देम सून। एंड Z5 का मैं देख रहा हूँ कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है बहुत अलग आ रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग द कंटेंट ऑफ Z5 दिस डेज। सो या एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हॉट स्टूडियोज कोलैबोरेट हो गए Z5 के साथ एंड आई विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। या
So we both are doing one serial साथ में, that is कसौटी ज़िंदगी के, and I love him as my co-actor. So yeah. Vice versa. So we are already working in Kasauti Zindagi Ki. It's on Star Plus. So it's going pretty well, and I hope you also like it. And बहुत से लोग आते भी रहते हैं शायद हमारे सेट में. Yeah. And we need your wishes. And thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम जब हमें रिस्पॉन्स के बारे में तब पता चलता है जब हम बाहर जाते हैं. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से और हिट हो रहा है. लाइक पहले इनिशियली इट वॉज ओके जितना आपने एक्सपेक्ट करा था उतना नहीं था, बट नाउ स्लोली एंड स्टेडी इट इज़ विनिंग द रेस. Good. They both are nice, and obviously puri cast hum ek saath rehte hain, so obviously it's good to be together. And acha hai sabke saath, bahut acha hai, and we are actually hard working, so bahut hard working hai isse bahut zyada. Hina Khan aayi nahi hai, ek din aayi thi, hum kuch interact nahi kar paye. Abhi aane wali hai, ab aaye set pe aur hum batayenge kya hai Hina Khan. But abhi tak bas yahi hai Hina Khan aane wali. But yeah, she's a nice lady, and we welcome her, and we are looking forward to work with her. Thank you. Thank you. So क्या बोलूँ? कुछ नहीं करूंगी, कहूंगी ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मुझे बहुत पैसे दिए अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ शूट करने के बाद वसई में. और इन्होंने कहा, मैंने ना कहा तो इन्होंने कहा और पैसे दे देंगे. आप ध्यान से देखिए कितना प्यार होके भी आई, पैन डाउन पैन अप करें, प्यार होके आई हूँ वसई में शूटिंग करने के बाद. जस्ट स्टॉप जोकिंग, प्लीज से समथिंग नाइस अबाउट हॉट स्टूडियोज. ओके, हॉट स्टूडियोज जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक एपिसोड में जब ये नहीं थी तो मैंने फिलर एपिसोड किया है. हेलो, आपकी सीरीज है पूरी आपके नाम की. मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स इन आवर सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग. हां, ये है द आर यू द क्लासी मेड, द क्लासी मेड ऑफ हॉट स्टूडियोज. आप डेट नहीं है, आप बिजी नहीं है. नहीं तो कमिंग बैक टू हॉट स्टूडियोज, जब आई थिंक इनकी जब फर्स्ट मीटिंग थी तब भी मैं वहाँ मौजूद थी. तो इन्होंने मुझे फ्री में चाय पिलाई थी, मैंने कहा बना दो जो भी बना रहे. तो फर्स्ट मीटिंग से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और जिंदगी भर जुड़ी रहूँगी, क्योंकि करण के फर्स्ट शो में भी मैं इनके साथ जुड़ी थी. और वेल, हॉट स्टूडियोज इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन यूट्यूब. और जी के साथ आपने काम किया पहले ZTV में? ZTV में मैंने बहुत सारा काम किया. सो दिस इज ZTV होती है? ZTV, या सो ZFamily एंड सो या ZFamily इज बेसिकली माय फैमिली, क्योंकि वो आई हैव डन सो मेनी शोज विद जी के एक वक्त टैग लग गया था गुलफाम इज अ जी एक्टर. सो आई सेड आई एम दी एक्टर, मुझे कोई और भी कास्ट कर लो. But I have been associated with Z for a long time. I did one of my benchmark shows with them, Betiya. Well, being with Z, being with Hot Studios. Now Z and Hot are coming together. And I become okay, Z. Yeah, okay, Z. Z. So all the best. कुछ और गर्म हो गया आपने थोड़ी देर. Thank you. कोलैबोरेट जब कोई चीज़ें होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलती है दैट वेरी अनयूजुअल. एंड करण इज़ द पर्सन हुम आई स्टार्टेड माय करियर विद, एंड करण इज़ वेरी स्पेशल. सो आई बिन दिस जो उनकी अभी जो ये सीरीज चल रही है वो मैं ऑन एंड ऑफ देखते रहती हूँ, एंड इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस प्लेटफॉर्म टू नो टू मेक अदर पीपल नो अबाउट द सीरीज मोर. एंड आई थिंक आप लोग ने देखी है सीरीज, नहीं देखी तो देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी फनी. एंड इट्स अबाउट टू वन कपल जिनकी लाइफ में डे टू डे रूटीन में जब फनी मोमेंट होते हैं ना, आई एम श्योर सबकी लाइफ में ऐसे होता है. आई थिंक मैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही काम करते नजर आऊँगी बहुत जल्द.
it's very easy, I think. Day-to-day routine, mein, there are a lot of competition and bahut sari aisi cheeze hoti hai that it has to be very handy also. Nowadays, if I have worked with a lot of channels, even they have got everything. If you miss out on any shows or particular scenes or maybe particular, if you're following someone. So it's very easy for you to keep it in your hand and you can do whatever, you have a choice. मैं आऊँगी पर मुझे ना ऐसा कुछ शो अट्रैक्ट कर नहीं रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर अ वेरी गुड सब्जेक्ट बिकॉज आई रियली थोड़ा मैं चूज़ी हूँ सो या लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट वो जो वहाँ क्यूटी खड़ा है ना मैं उसके साथ न्यू ईयर मनाऊँगी जिस दिन ऐप आया उसके बाद ना मैं तुरंत बाहर चली गई कुछ इमरजेंसी में सुनाओ आई एम बैक सो या डेफिनेटली बट आई हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट पीपल आर लाइकिंग इट एंड आई एम गोइंग लिटिल स्लो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड लाइक सेड सोशल मीडिया इज़ वेरी ईजी टू मेक पीपल अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वुड वॉन्ट टू डू दैट या मैं ना बिग बॉस नहीं देखती हूँ मुझे फॉलो भी नहीं कर रही हूँ लाइक आई सेड अर्लियर दैट आई हैव माय फ्यू फ्रेंड्स बट आई एम नॉट फॉलोइंग इट मैं तो ट्रैवल ही काफ़ी कर रही हूँ आई एम ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली फैंस को यही मैसेज दूंगी दैट कीप लविंग अस लाइक दिस एंड प्लीज़ डू वॉच Z5 पे जो ये हॉट स्टूडियो का नया आई डोंट नो मिस्टेक विद द नेम इट्स व्हाट लिटिल मिस्टेक राइट या आई वाज क्रॉस चेकिंग विद यू प्लीज़ वॉच इट एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल लाइक इट